महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। कालांतर में रामदास विश्व में एक आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुए। प्रसिद्ध महामारी विशेषज्ञ लैरी ब्रिलियंट भी अपनी पुत्री शारदा के साथ मां के दर्शन के लिए वीरापुरम आए। डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट वर्ष 1970 में पहली बार महाराज जी के पास आए थे। जैसा कि पहले भी लिखा जा चुका है, महाराज जी की आज्ञा से उन्होंने भारत से चेचक के उन्मूलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। यहाँ मां के दर्शन के लिए आने वालों में सबसे प्रिय और सम्मानित भक्तों में डॉक्टर जी नाचियार थीं, जो भारत की प्रमुख नेत्र विशेषज्ञ और अरविंद नेत्र चिकित्सालय की संस्थापक हैं। दक्षिण भारत की हमारी यात्रा का एक हिस्सा मदुरई की यात्रा भी होता, जहां डॉक्टर नाचियार हमारे दल के सभी सदस्यों की आंखों की जांच और इलाज की सुविधा उपलब्ध कराती। मां के साथ यात्रा में हर आयु वर्ग के लोग होते थे। पर्वतीय क्षेत्रों में उन दिनों इलाज की उचित सुविधा नहीं होती थी। सभी के आंखों की जांच के बाद आवश्यकता के अनुसार चश्मे, दवाइयां अरविंद नेत्र चिकित्सालय द्वारा ही दी जाती थीं। यहां तक कि यदि किसी की आंखों की शल्य चिकित्सा होनी है तो वह भी की जाती थी। वर्ष 1986 में जब जीवंती माँ की दोनों आंखों का ऑपरेशन डॉक्टर नाचियार के भाई डॉक्टर जी वेंकट स्वामी के पर्यवेक्षण में हुआ, तभी से दोनों माँ का अरविंद नेत्र चिकित्सालय से संपर्क रहा है। डॉक्टर जी वेंकट स्वामी प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और एक महान दूरदर्शी थे, जिन्होंने भारत से अनावश्यक अंधेपन के निवारण हेतु संकल्प लिया और अपनी बहन डॉक्टर नाचियार के साथ अरविंद नेत्र चिकित्सालय की स्थापना की। जीवंती माता जी की दृष्टि पूर्व से ही काफ़ी कमज़ोर थी, जो कि आयु और समय के साथ और भी कमज़ोर होती जा रही थी। उन दिनों नैनीताल में नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर महेरे हुआ करते थे। एक दिन महाराज जी ने जीवंती माता जी को अपनी आंखें दिखाने के लिए नैनीताल भेजा। अपनी आंख दिखाने के बाद वापस कैंची लौटने पर जीवंती माँ निराश लग रही थीं। उस समय महाराज जी अपने तख्त पर बैठे हुए थे। जीवंती माँ ने महाराज जी को बताया कि चिकित्सकों के अनुसार उनकी आँख का कोई इलाज नहीं है और आगे जाकर दोनों आँखों की दृष्टि पूरी तरह से चली जाएगी। छोटी माँ की बात सुनकर महाराज जी अपने तख्त से आगे की ओर झुके और अपने हाथों से छोटी माँ के आँखों का चश्मा उतार कर एक तरफ फेंकते हुए बोले, जीवंती लल्ली, तू दूर दूर तक देखेगी, बम्बई भी देखेगी, कलकत्ता भी देखेगी और कैंची धाम भी देखेगी। बरसों के बाद मदुरई में जीवंती माँ की आँखों का परीक्षण जब डॉक्टर नाचियार द्वारा किया गया तो उन्होंने कहा कि वह आँखों की सर्जरी तो कर देंगी, लेकिन वह आश्वस्त नहीं है कि छोटी माँ की दृष्टि में कोई सुधार हो पाएगा। उन्होंने माँ का विचार जानना चाहा कि ऐसी परिस्थिति में सर्जरी करनी चाहिए अथवा नहीं, तो माँ ने महाराज जी के शब्दों को याद करते हुए ऑपरेशन करने की आज्ञा दे दी। जीवंती माँ के आँखों की यह सर्जरी सफल रही और उनकी दृष्टि में भी काफ़ी सुधार हुआ। जब डॉक्टर वेंकट स्वामी छोटी माँ को देखने के लिए अस्पताल आए तो उन्होंने जीवंती माँ का चश्मा एक किनारे रखते हुए कहा, अब आप दूर दूर तक देखेंगी, यही शब्द महाराज जी के थे। डॉक्टर वेंकट स्वामी महर्षि अरविंद और मदर के अनुयायी थे और माँ के प्रति भी उनका विशेष लगाव था। उस समय उनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक रही होगी, परंतु जब दोनों माँ को अस्पताल आना होता था तो
तो माँ को लेने के लिए वो स्वयं कार चलाकर गेस्ट हाउस आ जाते। रात्रि में माँ के लिए जो भी भोजन प्रसाद बनता वही प्रसाद एक टिफिन में डॉक्टर वेंकट स्वामी के लिए भी भेजा जाता। एक दिन संध्या के समय डॉक्टर वेंकट स्वामी माँ को अस्पताल के अपने कार्यालय में ले गए और वहाँ पहुँचकर उन्होंने माँ से अपनी कुर्सी पर बैठने की प्रार्थना की। उन्होंने माँ को बताया कि यह देश से मोतियाबिंद निवारण की योजना पर कार्य कर रहे हैं, यदि माँ उनकी कुर्सी पर विराजेंगी तो उन्हें इस कार्य को करने के लिए माँ की प्रेरणा मिलेगी। वर्ष 2002 में माँ की आंख के मोतियाबिंद का ऑपरेशन डॉक्टर नाचियार द्वारा ही किया गया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर नाचियार कैची या ऋषिकेश आश्रम में पहुंचकर किसी स्थानीय अस्पताल की सुविधा प्राप्त कर माँ की आँखों का स्वयं निरीक्षण किया करती। अक्टूबर 2017 में डॉक्टर नाचियार अपने 40 लोगों के दल के साथ, जिनमें अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक और डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही उनके परिवार की युवा पीढ़ी शामिल थी, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आश्रम आई। 3 दिन कैची और तीर्थम के प्रवास में सबको माँ के सानिध्य का अवसर प्राप्त हुआ। माँ ने सभी को भरपूर आशीर्वाद दिया। संभवतः माँ की उन लोगों से यह अंतिम विदाई थी जिन्होंने वर्षों तक अत्यंत निष्ठापूर्वक इतनी सेवा की थी। डॉक्टर नाचियार को कैची में हुए माँ के दर्शन के 3 महीने के अंतराल में ही माँ ब्रह्मलीन हो गईं। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो।